नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल सुधा में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार में अपनी जमीन का हम लगान कैसे पे करें। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा कि बिहार में हम जमीन की जमाबंदी, खाता, खतौनी, खेसरा कैसे देख सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अपनी जमीन का हम लगान कैसे पे करें, हम अपनी जमीन का रसीद कैसे काटें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी जमाबंदी पंजी देखनी है, जो कि मैंने आपको कल बताया था किस तरीके से देखते हैं। दोस्तों, जमाबंदी पंजी खोलने के बाद यहाँ पे आपके पास एक पेज होगा, इस पेज जमाबंदी पंजी होगी जिसके ऊपर ये भाग एक पृष्ठ संख्या 189, ये भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या। दोस्तों, ये याद रखना बहुत जरूरी है लगान पे करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज इसका लगान कैसे पे करेंगे ये देखेंगे। दोस्तों, आपको अपने सबसे पहले ब्राउजर पे बिहार भूमि टाइप करना है। दोस्तों, बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in, इस पे आपको सब क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके पास बिहार भूमि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ऐसे ओपन हो जाएगी। दोस्तों, इसमें कुछ ये इस प्रकार के पेजेस हैं, जिसमें भू लगान पे क्लिक करना है। दोस्तों, भू लगान पे क्लिक करने के बाद एक तो ये लंबित भुगतान देखें और एक है ऑनलाइन भुगतान करें। दोस्तों, आपको ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करना है, यानी कि पे ऑनलाइन लगान। दोस्तों, कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा पे ऑनलाइन लगान में। सबसे पहले आपको एक अपना जिला सेलेक्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, एक आपने सारण सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको अपना हल्का सेलेक्ट करना है, अंचल, माफ कीजिए दोस्तों, आपको अंचल सेलेक्ट करना है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये हल्का का नाम आ गया। हल्का का नाम आप सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, मैंने एक ऐसा चूज किया जमाबंदी जिससे मैं आपको आसानी से एक एग्जांपल दे पाऊं। आप अपने खुद का जमाबंदी पहले देख लेंगे, उसमें भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या देखने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। मौजा आप सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, मौजा सेलेक्ट करने के बाद अब आता है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, जो आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों, भाग वर्तमान 1 था, पृष्ठ संख्या 189, तो आपने डाल दिया भाग वर्तमान 1, पृष्ठ संख्या 189, और सुरक्षा कोड डाल देंगे इसमें 5। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, खोजें, रद्द करें और होम पेज। दोस्तों, हमें क्लिक करना है खोजें पे। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आप अपने मोबाइल से आप अपना लगान पे कर सकते हैं, आपको कहीं भी किसी कंप्यूटर दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं ये एक पेज आ गया, इसमें देखें पे क्लिक करें। पुनदेव सिंह, खाता संख्या 62, भाग 1। दोस्तों, इसमें आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ गया। अब इन्होंने जो लगान पे की है वर्ष 2020-21 से 22-23 तक का इन्होंने पे कर दिया है, और इनका जो दोस्तों बकाया है वो है वर्ष 23-24 का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें आप रेमिटर नेम डाल देंगे, जो भी नेम होगा, एक मोबाइल डाल देंगे, मोबाइल नंबर, कुछ भी रैंडम दोस्तों मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही। उसके बाद एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा, एक प्रॉपर आपका नाम, प्रॉपर मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो ताकि हम आगे बढ़ सकें। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पे हम आप सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, मोबाइल नंबर बोल रहा है 10 डिजिट का। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे भुगतान करें पे, आपके पास जो पेज ओपन होगा वो होगा पेमेंट पेज ओपन। दोस्तों, वहां पे आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी माध्यम से उसको आप अपना पैसा पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका रसीद जनरेट हो जाएगा,
और रसीद जनरेट होने के बाद दोस्तों आपको उस रसीद को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक इसमें बताऊंगा कि कैसे पे करना है दोस्तों। ये देखिए इसमें दोस्तों अकाउंट डिटेल्स आ गया। यहाँ पे पेमेंट, आपको पेमेंट ओवर बैंक काउंटर नहीं करना है, ई पेमेंट करना है दोस्तों, और बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। ये दोस्तों ये रहा बैंक का नाम सिलेक्ट। सिलेक्ट करके आगे बढ़ने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड से करना है तो आप वहां से कर सकते हैं, आपको अगर डेबिट कार्ड से करना है तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आपको अगर दोस्तों यूपीआई करना है तो आप यूपीआई भी कर सकते हैं अपने यूपीआई के माध्यम से। दोस्तों इतना आप अगर कर लेंगे तो आप अपनी जमीन का रसीद आसानी से काट सकते हैं, आपको दुकान पे जाके पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। दोस्तों यूपीआई पे क्लिक करने के बाद, चूंकि दोस्तों सबसे आसान आजकल यूपीआई है पे करना, कुछ इस प्रकार का पेज आपको ओपन होगा। इसमें वीपीए आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्यूआर कोड नहीं करना है आपको। यहाँ पे आप आपको डाल देना है अपना यूपीआई आईडी, वो डालते हैं दोस्तों कंफर्म जब करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा आपके यूपीआई ऐप पे, और वहां पे आप उसको कंफर्म कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपकी रसीद आपके पास आ जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और दोस्तों आप जमाबंदी पंजी देखने के लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको इस वीडियो में लगान पे करने में आसानी होगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।